कैसे हैं आप सभी? मैं पारुल डिफेंस शेल्टर्स ग्रुप की तरफ से आज आपके लिए लेके आई हूँ अल्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टी, जो अपनी रहने वाली है जीरकपुर ऑन रोड पे, वीआईपी रोड लोकेशन है यहाँ की। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में कितना लविश ग्रीन पार्क आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करते हैं, आपके यहाँ पे सारी फैसिलिटीज जो हैं वो कवर रहने वाली हैं। लाइक यहाँ पे आपको 3 BHK, 3+1, 4 BHK पेंट हाउस आपको इस सोसाइटी में मिलने वाला है। ब्यूटीफुल सोसाइटी, बोथ साइड यहाँ पे, सॉरी डबल साइड एंट्रेंस आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एंट्री एंड एग्जिट आपके दोनों अलग अलग रहेंगी। सिक्योरिटी अगर मैं आपसे बात करती हूँ, गेटेड सोसाइटी है, बूम बैरियर्स, कैमराज, सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। अभी आप देख सकते हैं हम अपने सैंपल फ्लैट के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे आपका लोबी एरिया आ जाता है। लोबी एरिया के बिल्कुल साथ में जो है वो आपके स्टेयर केस आ जाते हैं। स्टेयर केस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आपका लिफ्ट एरिया यहाँ पे आ जाता है। अच्छे साइज में यहाँ पे आपकी लिफ्ट इंस्टॉल रहेगी। एंड एक फ्लोर पे अगर मैं बात करूँ तो एक फ्लोर पे आपके दो फ्लैट रहने वाले हैं। फर्स्ट फ्लैट ये इस साइड है, सेकेंड फ्लैट आपको उस साइड आ जाएगा। एंट्री जो है, एंट्री गेट कुछ इस तरीके से रहेगा। आपका जो है येल का कंपनी का जो आपका लॉक रहने वाला है इसमें एडवर्टाइज। तो चलते हैं आप फ्लैट की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट के अंदर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पेस आ जाता है, जो अपना रहने वाला है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं 5 to 6 सीटर आपका यहाँ पे सोफा सेट आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो यहाँ पे आप अपना टेबल रख सकते हैं। इनफैक्ट और अगर चेयर सेटअप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बिल्कुल आपका आ जाता है बेल्कनी, फ्रंट बेल्कनी एरिया आ जाता है। फ्रंट बेल्कनी में जो है आप देख सकते हैं एज इट इज़ आपको जो है वो गिलास मिल रहा है विद मैश डोर के साथ, जो है वो आपको ये प्रोविज़न रहने वाला है। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा फ्लैट है। तो इसी के साथ सामने में मेरी नज़र जो पड़ रही है वो अपनी पड़ रही है डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस डाइनिंग एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे हम पूजा एरिया भी है वो भी डेकोरेट कर सकते हैं, बुक सेल्फ रख सकते हैं, वाइन गिलास एरिया बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। मतलब आपकी जो इसे आपको यूटिलिटीज अकॉर्डिंग जो है वो यूटिलाइज करना है इस एरिया को। तो ये काफ़ी स्पेशियस एरिया हमें लिविंग एंड डाइनिंग का मिल रहा है। तो आइए अब किचन एरिया हम देखते हैं। तो किचन जब मैं एंटर करती हूँ आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे किचन में हमें वॉर्डरोब्स मिल रहे हैं, कैबिनेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक आपके कैबिनेट्स आ जाएंगे विद डबल सिंक एरिया के साथ। एंड यहाँ पे आप फिटिंग्स देख सकते हैं, सॉफ्ट क्लोजर आपके यहाँ पे फिटिंग्स रहने वाली हैं। एंड मैं हमेशा वीडियो में आपसे वेंटिलेशन की भी बात करती हूँ तो आज भी करूँगी। तो यहाँ पे भी हमें एक विंडो मिल रही है। तो किचन आपने देखी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपका फ्रिज एरिया आ गया, एज इट इज़ जो है वो आपकी किचन एरिया रहने वाला है आपका। तो किचन एरिया सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो किचन का मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, लिविंग डाइनिंग का एक्सप्लेन कर दिया, तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। स्पेस की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि मतलब एक बेड को लगा के उसके अलावा भी काफ़ी जो है हमें स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी स्पेशियस रूम है। एंड वार्डरोब्स की मैं बात करूँ तो वार्डरोब्स आपकी बुलंद की आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, राइट। स्लाइडिंग वार्डरोब्स आ जाएंगे आपके इसमें। एंड इसके साथ ही आपका जो है बेल्कनी का, बैक बेल्कनी का जो है वो एक्सेस रहेगा यहाँ से विद ग्लास डोर एंड मैश डोर के साथ। इसी के साथ आपको जो वॉशरूम मिलने वाला है वो अटैच वॉशरूम यहाँ पे मिलने वाला है। तो फर्स्ट मैंने आपको बेडरूम बता दिया, अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम वाली साइड। तो अभी हमने अपना फर्स्ट बेडरूम देख लिया है, तो अब हम आ चुके हैं, मतलब एंटर कर चुके हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम जो है वो कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। काफ़ी स्पेशियस यहाँ का भी साइज़ है, मतलब बेड के अलावा भी काफ़ी यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है। वार्डरोब्स की अगर मैं बात करूँ, प्लस पॉइंट है कि इनबिल्ट आपके यहाँ पे वार्डरोब्स रहेंगे कुछ इस तरीके से।
क्योंकि इसमें जो है आपका जो रूम का एग्जैक्ट साइज है आपको वो पता लगता है, जो आपका वार्डरोब इसमें जो है बाहर वाली साइड में है, मतलब बेलगनी वाली साइड में है। तो इस तरीके से आप स्पेस भी देख सकते हैं यहाँ का। एंड इसके साथ भी मैंने आपको बताया था 3+3 का कॉन्सेप्ट है, मतलब 3 bedrooms एंड 3 washrooms का। तो इसके साथ भी आपका जो वॉशरूम अटैच रहेगा विद ऑल फिटिंग्स के साथ। तो एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो इसकी डबल एंट्रेंस रहेगी आपके वॉशरूम की, ताकि गेस्ट वगैरह के जो है वो इजीली एक्सेस रहे यहाँ से। तो अब हम आ चुके हैं अपने 3rd bedroom यानी मास्टर बेडरूम में। तो आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम से पता लगता है कि साइज है, मतलब कुछ अच्छा साइज हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको काफी अच्छा साइज यहाँ पे बेडरूम का आपको मिलने वाला है। वार्डरोब्स आपकी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, अमेजिंग ब्यूटीफुल सी वार्डरोब्स आ जाएंगे, स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो साइज आप देख रहे हैं, मतलब एक बेड लगाने के अलावा भी काफी हमें यहाँ पे साइज मिल रहा है। चेयर भी लगाई है, टेबल्स भी हैं साइड टेबल्स, तो उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी स्पेस यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे भी आपको वॉशरूम जो है वो अटैच रहने वाला है, जो आपका एज इट इज़ रहने वाला है, जैसे आपको अदर रूम्स के साथ मिल रहा है। कॉलर की फिटिंग्स के साथ सारा आपका वॉशरूम रहेगा, रेडी फुल रेडी आपको वॉशरूम मिलने वाला है। एंड इसी के साथ इस रूम के साथ जो है आपके बैक की जो बेल्कनी आपकी अटैच रहने वाली है विद ग्लास डोर एंड मेस डोर के साथ। काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे दोनों आपके बेल्कनी साइज रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छा साइज हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड रूम की बात करूँ तो एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको एक विंडो भी मिल रही है, साइड विंडो। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट जिसे हम बोलते हैं कि एक रूम में होना चाहिए वेंटिलेशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको सारा जो हमारा 3BHK का कॉन्सेप्ट है वो आप देख चुके हैं। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस की मैं आपसे बात करती हूँ, 3BHK, 3+1, 4BHK, पेंटा हाउस का आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्लब हाउस की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लब हाउस आपको 12,000 square feet का मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। एंड इसमें आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आपकी इसमें कवर होने वाली हैं, लाइक रेस्टोरेंट आ गया, इंडोर गेम्स आ गया, आपका लाइब्रेरी आ गया, इस अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ जो आपकी क्लब हाउस में कवर हो जाएंगी। पार्क की अगर मैं आपसे बात करूँ, पार्क यहाँ पे आपको बड़े पार्क जो हैं वो 2 रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्केटिंग रिंक, क्रिकेट पिच एंड बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे आपका जो है वो रहने वाला है, काफ़ी स्पेशल। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक आपका रहेगा, सिटिंग एरिया आपका रहने वाला है, मेडिटेशन एरिया रहने वाला है, काफ़ी सारे ऐसी जो हैं फैसिलिटीज़ आपको इस सोसाइटी में रहेंगी। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी आपकी इंक्वायरी है पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।